मैं आपको एक ट्रिक दिखाना चाहती हूँ। मेरे पास ये एक पेंसिल है और मेरे पास एक ग्लास भी है। इस पेंसिल को अब ग्लास में रखते हैं। तो ट्रिक ये है कि इस पेंसिल को बेंड करना है इसे टच किए बिना। तो आप ये कैसे करोगे? सिंपल है, इस ग्लास में बस पानी पोर करना है एंड टडा, पेंसिल बेंड हो गई। सच बताओ तो पेंसिल बेंड हुई नहीं है, ये बस बेंट दिख रही है। लाइट की स्पीड इज अपेरेंट बेंडिंग से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है और आज के सेशन में हम यही सब सीखने वाले हैं। इस ट्रिक को समझने के लिए हमें स्पीड ऑफ लाइट के बारे में थोड़ी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। तो लाइट की स्पीड क्या है? यस, 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड। पर ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है। हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड वैक्यूम में होती है। अब लाइट की स्पीड को दोनों वैक्यूम में और वाटर में कंपेयर करते हैं। वाटर पार्टिकल्स में बहुत सारा डिस्टर्बेंस होता है। वैक्यूम में लाइट ने टी टाइम में इतना डिस्टेंस कवर कर लिया है, पर वाटर में ये डिस्टेंस कम होगा। तो लाइट का स्पीड वाटर में वैक्यूम के कंपैरिजन में काफ़ी कम होगा और ये स्लोइंग डाउन इफ़ेक्ट अलग अलग मटेरियल्स में अलग अलग होता है। और जिन मटेरियल्स में लाइट स्लो डाउन होती है उनको ऑप्टिकली डेंस मीडियम कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लाइट का स्पीड ग्लास में 2/3 होता है वैक्यूम के कंपैरिजन में। किसी मटेरियल की ऑप्टिकल डेंसिटी हमें ये बताती है कि लाइट को उस मटेरियल से पास करने में कितना रेजिस्टेंस फील होता है। लाइट के बारे में आपको एक और चीज़ जाननी ज़रूरी है। चाहे लाइट किसी भी मीडियम से फ्लो कर रही हो, वो हमेशा वही पाथ चुनती है जिसके लिए टाइम सबसे कम हो। तो अब तक हमने लाइट के बारे में जो भी सीखा उसे कंबाइन करके यूज़ करते हैं एक सिंपल सिचुएशन में। मान लेते हैं कि हमारे पास दो पॉइंट्स है, पी एंड क्यू, और एक लाइट रे को पी से क्यू तक जाना है। अगर पी और क्यू दोनों एक ही मीडियम में है, मान लेते हैं वैक्यूम, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लाइट स्ट्रेट पाथ चुनेगी क्योंकि वही फास्टेस्ट पाथ है। अब मान लेते हैं कि क्यू पानी में सबमर्ज्ड है। अब लाइट कौन सा पाथ लेगी, ए या बी या सी? पाथ ए दिखने में तो शॉर्टेस्ट लगता है, पर वाटर में लाइट की स्पीड कम होती है, याद है ना? तो अगर लाइट को वाटर में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो क्विकर पाथ वो होगा जो पानी में कम डिस्टेंस ट्रैवल करता है, और वैसा पाथ सी है। पर पाथ सी की टोटल लेंथ पाथ ए और बी से काफ़ी बड़ी है, तो वो भी फास्टेस्ट नहीं है। पाथ बी ए और सी के बीच का स्वीट स्पॉट है। उसकी लेंथ सी से कम है और पानी में भी कम डिस्टेंस है। तो इस केस में पाथ बी क्विकेस्ट पाथ है और लाइट भी यही पाथ लेगी। तो जैसे आप देख सकते हैं, लाइट बेंड होती है, या फिर आप कह सकते हो कि अपनी डायरेक्शन चेंज करके लीस्ट टाइम लेने वाला पाथ पिक करती है। और ये हमेशा होता है जब लाइट रेयर मीडियम से डेंस मीडियम की तरफ जाती है। ये जो फिनोमिनन है जिसकी वजह से लाइट अपनी डायरेक्शन चेंज करती है जब वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है, उसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। और वो रिफ्रैक्शन ही है जिसकी वजह से हमें पेंसिल बेंट नज़र आ रही थी। मान लेते हैं कि पेंसिल के टिप से ये दो लाइट वेव्स आ रही है। जब ये रेज वाटर से एयर जाएंगी, यानी ऑप्टिकली डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में, रेज नॉर्मल से दूर बेंड होती है और फिर ये रेज आप तक पहुंचेगी। जब भी ऐसे डाइवर्जिंग रेज हमारी आईज तक पहुंचती है, हमारा ब्रेन रेज के सोर्स को लोकेट करने की कोशिश करता है, बस इन रेज को पीछे एक्सटेंड करते हैं। ये एक्सटेंडेड रेज यहाँ मिलती है, इसलिए हमें पेंसिल बेंट नज़र आती है। रिफ्रैक्शन का और भी कॉमन एग्जाम्पल आई ग्लासेस है। ग्लास एक ऑप्टिकली डेंस मीडियम है। जब लाइट ग्लास में एंटर करती है तो रिफ्रैक्ट करती है, और ग्लास लाइट रेस को ऐसे बेंड करता है कि पहनने वाले का विजन क्लियर हो जाएगा। ये सारा रिफ्रैक्शन का नॉलेज हमारे लिए एक नया एरिया ओपन करता है। क्या रिफ्रैक्शन के कोई लॉज होते हैं?
क्या कोई डिवाइस है जो रिफ्रैक्शन का यूज करती है? इन सारे क्वेश्चंस को हम आने वाले सेशंस में एक्सप्लोर करेंगे। अभी के लिए हमने जो सीखा उसका जल्दी से रिकैप करते हैं। पहले हमने देखा लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम्स में अलग अलग होती है। फिर हमने देखा कि लाइट हमेशा वो पाथ पिक करती है जो सबसे कम टाइम लेता है। फिर हमने इन दोनों प्रॉपर्टीज को कंबाइन किया और समझा कि क्विकेस्ट पाथ चूज करने के लिए लाइट को बेंड होना पड़ता है। रिफ्रैक्शन वो प्रोसेस है जिसमें लाइट अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रैवल करते हुए। फिर हमने समझा कि पेंसिल वाटर में क्यों बेंट अपीयर होती है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन कीप लर्निंग।